मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब जनजातीय कार्य विभाग होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश आज महान देशभक्त बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके बलिदान को याद करते हुए जनजाति गौरव दिवस मना रहा है। शहीद बिरसा मुंडा ने भारतीय अस्मिता, स्वतंत्रता की रक्षा और अंग्रेजों के दमन तथा शोषण के विरुद्ध अपना जीवन निर्भीक होकर समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों के शौर्य और वीरता का उजला इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इन महान जनजातीय नायकों द्वारा स्थापित अनुसूचित जनजातीय संस्कृति, परंपरा, गौरवशाली इतिहास को अक्षुण बनाने तथा सामाजिक समरसता के लिए और उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस पर जनजातीय जनायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके त्याग तथा बलिदान के स्मरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे उमरिया से और संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर इंदौर से शामिल हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिवस हर वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा, इस वर्ष 25 नवंबर के दिन जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करेगी। शहीद बिरसा मुंडा हमारी प्रेरणा है, उनके द्वारा स्थापित परंपरा संस्कृति भारत की मूल धारा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक समरसता के मूल मंत्र को स्वीकारा है। भारत की संस्कृति बहुरंगी है। मध्य प्रदेश की जनजातीय मूल धारा को और अधिक पल्लवित किया जाएगा, उसे किसी भी स्थिति में मुरझाने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय में जनजातियों की कला, संस्कृति, नृत्य, परंपरा और जीवन मूल्यों को सहेजने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार सबकी है। मध्य प्रदेश के खजाने का बड़ा हिस्सा गरीबों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में व्यय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में समरसता छात्रावास बनाए जाएंगे, जिसमें समाज के हर वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी छात्रावासों में निश्चित प्रतिशत में जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। अनुसूचित जनजाति छात्रावास में 10% स्थान पर सभी वर्गों के गरीब छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। शासन का प्रयास सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। नियम विरुद्ध बिना लाइसेंस ऊंची दर पर ब्याज देने वाले सूदखोरों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कानून बनाया गया है। नियम विरुद्ध कर्जा देने पर जनजातियों के सारे कर्ज माफ हो गए हैं। जनजातीय नायकों का किया स्मरण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजातीय नायकों शहीद बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बादल भोई, टंटा भील, भीमा नायक और खाजिया नायकों के त्याग और बलिदान तथा उनके द्वारा स्थापित संस्कृति, परंपरा और कार्यों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीपावली की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि आज गोवर्धन पूजा का दिन भी है, जो प्रकृति पूजा, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देता है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।